सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि स्नैपी गर्ल ने दहेज का केस कर दिया। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि स्नैपी गर्ल ने दहेज का केस कर दिया ऐसे वैसे कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको क्लियर कट सारी बात बता देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जिस दिन स्नैपी गर्ल घर छोड़ के आ रही थी, उस दिन किसी ने, मतलब पता नहीं किसने, उनके साइड से FIR कर दी। तो FIR करते ही पुलिस उनके घर पे आ गई उनके सास ससुर को अरेस्ट करने के लिए। तो स्नैपी गर्ल ने बोला नहीं, आप इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। तो पुलिस ने बोला कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, भाई अरेस्ट मत कीजिए, आपके FIR की। बोली मैंने FIR नहीं किया, अगर उन्हें FIR करना होता तो वो खुल के करती है, ऐसे थोड़ी ना ब्लॉग भी डालती, सब कुछ होता। तो उन्होंने बोला है कि मैंने FIR नहीं किया। तो पुलिस ने बोला कि हमारे पास FIR आ चुकी है, तो मतलब हम तो अपना वो करेंगे, हमारा जो काम है करना। तो पुलिस के ऐसा कहने पर सप्ता ने बोला कि मेरे सास ससुर मुझे परेशान नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया और पुलिस चली गई। बट यार, जिसने भी ये गलत हरकत की थी ना, बहुत गलत किया, क्योंकि सारी बातें ओपन में आ चुकी है। दहेज की हो चाहे वो कोई भी बात हो, तो इस तरह ओपन में जब बातें आ गई ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी लोगों को लग रहा है कि हाँ केस हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि स्नैपी गर्ल ने अपने लाइव में भी बोला था कि मैं दहेज का केस, मैंने दहेज मांगा हुआ है। दहेज देखो, वो तो एक अलग तरीके से जाटों वगैरह में जो भी होता है वो सब हुआ होगा। तो स्नैपी गर्ल ने ये भी बोला था कि मैंने, मेरे माता पिता ने दहेज दिया था 10-20 लाख का, वो भी मानो क्योंकि गोल्ड देने से मना कर दिया था। तो ये सब मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर, अगर मैं पूरी बात करूँगी तो 4 से 5 मिनट की वीडियो चाहिए। चलो बात कर लेते हैं। हाँ तो गाइज, हम बात कर रहे थे दहेज को लेके। तो स्नैपी गर्ल जब लाइव आई थी तो उन्होंने बोला था कि मुझसे दहेज की डिमांड भी की गई थी, तो दहेज की डिमांड की गई थी तो मुझे वो भी वापस दो, अगर आप मुझे गोल्ड नहीं दे रहे। गोल्ड तो देखो स्नैपी गर्ल को ही देना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड स्त्री धन होता है, गोल्ड उन्हीं को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी की आग लगी है लेने की, तीसरी शादी कर लेगी। तो यार प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अभी वो बहुत दुख भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो इस टाइम पे हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह से करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो ना, तो क्या पता मतलब लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है ऐसे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो मतलब गलत अफवाह फैला रहे हैं या कुछ भी ऐसा है। तो आप लोग ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। और एक बात मुझे सुनने में आई है कि मतलब स्नैपी गर्ल और लखनीत ऐसा कुछ जोड़ा गया है, तो ये भी देखो बहुत गलत जोड़ा गया है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को नेगेटिविटी का और बहुत कुछ ऐसा सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ अपनी कमेंट डिलीट कर दीजिए वहाँ से, क्योंकि लीगल एक्शन लिया जाएगा। स्ट्रिक्टली वहाँ से भी बोला गया कि अगर लोग मुझे मेंटली डिप्रेस्ड करेंगे, मुझे कुछ होता है, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से एक्शन लूँगी। और मेन बात यहाँ पे ये थी कि दहेज का केस, दहेज के खिलाफ सभी है, बट स्नैपी गर्ल ने बोला है ना, वो बोला है कि मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया था वो मुझे वापस चाहिए। तो क्योंकि बोला क्यों था, क्योंकि गोल्ड का बात हुई थी, उसके ससुर ने बोला था गोल्ड तो तेरा नहीं है, जो गोल्ड नहीं मिलेगा। जब ये बात सुनी तो सपना को भी गुस्सा आया, तो बोली कि क्यों नहीं मिलेगा, काहे को, वो तो मेरी शादी में डाला तो मेरा ही गोल्ड हुआ। तो इस बात पे उनके ससुर ने बोला नहीं, गोल्ड तो तेरा नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा, आज मिले ना कल मिले। तो बोली मेरी बेटियों का हक चाहिए, बोली बेटियों का हक तो मेरे जीते जीते नहीं मिलेगा, मतलब मरने के बाद वो मिलेगा। अब देखो यार, मरने के बाद क्या बता, वो प्रॉपर्टी इंशु के नाम कर देंगे या क्या कर देंगे, समझ से बाहर है। बट चलो फिर भी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।